संजय दत्त ने अपनी खूबसूरत बेटी को नहीं बनने दिया हीरोइन, जाने वजह। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला हाल ही में तब सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने अपने कथित बॉयफ्रेंड प्रेम के निधन पर इमोशनल पोस्ट किया। वहीं त्रिशाला बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में से हैं जो लाइमलाइट से तो दूर रहती हैं लेकिन मीडिया की फेवरेट है। त्रिशाला कोई भी तस्वीर शेयर करती हैं, वो मिनटों में वायरल हो जाती है। हो भी क्यों ना, त्रिशाला किसी एक ट्रेस से कम ग्लैमरस नहीं है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करने को लेकर चर्चा में रहती हैं। त्रिशाला दत्त की बेहद ग्लैमरस तस्वीरों के साथ उनके बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि लाइमलाइट से कोसों दूर रहने वाली त्रिशाला बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम करना चाहती थी, लेकिन संजय दत्त नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने, इसलिए उन्हें कभी इंडस्ट्री में आने ही नहीं दिया गया। खुद संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू के दौरान त्रिशाला के करियर के बारे में बात करते हुए कहा था कि जब मुझे पता चला था कि उसका मन हीरोइन बनने का है तो मैंने साफ कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो टांगे तोड़कर घर में बैठा दूंगा। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि लाइमलाइट से कोसों दूर रहने वाली त्रिशाला बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम करना चाहती थी, लेकिन संजय दत्त नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने, इसलिए उन्हें कभी इंडस्ट्री में आने ही नहीं दिया गया। खुद संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू के दौरान त्रिशाला के करियर के बारे में बात करते हुए कहा था कि जब मुझे पता चला था कि उसका मन हीरोइन बनने का है तो मैंने साफ कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो टांगे तोड़कर घर में बैठा दूंगा। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि लाइमलाइट से कोसों दूर रहने वाली त्रिशाला बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम करना चाहती थी, लेकिन संजय दत्त नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने, इसलिए उन्हें कभी इंडस्ट्री में आने ही नहीं दिया गया। खुद संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू के दौरान त्रिशाला के करियर के बारे में बात करते हुए कहा था कि जब मुझे पता चला था कि उसका मन हीरोइन बनने का है तो मैंने साफ कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो टांगे तोड़कर घर में बैठा दूंगा। संजय दत्त ने बताया था कि वो चाहते हैं कि त्रिशाला अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनका मानना है कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है और इसी में आगे अपना करियर बनाना चाहिए। संजय दत्त का ये भी मानना है कि त्रिशाला का हीरोइन बनना बहुत ही मुश्किल है, सबसे जरूरी होती है हिंदी आना और उसकी अमेरिकन भाषा वाली हिंदी यहाँ नहीं चलेगी, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संजय दत्त ने बताया था कि वो चाहते हैं कि त्रिशाला अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनका मानना है कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है और इसी में आगे अपना करियर बनाना चाहिए। संजय दत्त का ये भी मानना है कि त्रिशाला का हीरोइन बनना बहुत ही मुश्किल है, सबसे जरूरी होती है हिंदी आना और उसकी अमेरिकन भाषा वाली हिंदी यहाँ नहीं चलेगी, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संजय दत्त ने बताया था कि वो चाहते हैं कि त्रिशाला अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनका मानना है कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है और इसी में आगे अपना करियर बनाना चाहिए। संजय दत्त का ये भी मानना है कि त्रिशाला का हीरोइन बनना बहुत ही मुश्किल है, सबसे जरूरी होती है हिंदी आना और उसकी अमेरिकन भाषा वाली हिंदी यहाँ नहीं चलेगी, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। त्रिशाला दत्त संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी की बेटी हैं और विदेश में रहती हैं। त्रिशाला को घूमना और पार्टी करना बेहद पसंद है। त्रिशाला दत्त संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी की बेटी हैं और विदेश में रहती हैं। त्रिशाला को घूमना और पार्टी करना बेहद पसंद है। त्रिशाला दत्त संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी की बेटी हैं और विदेश में रहती हैं। त्रिशाला को घूमना और पार्टी करना बेहद पसंद है। त्रिशाला दत्त अपने पिता संजय दत्त की तरह दिखती हैं और वो अपने पिता की ही तरह एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थीं। त्रिशाला एक्ट्रेस तो नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने कई फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। उनके कुछ फोटोशूट भी खूब वायरल हुए थे। त्रिशाला दत्त अपने पिता संजय दत्त की तरह दिखती हैं और वो अपने पिता की ही तरह एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थीं। त्रिशाला एक्ट्रेस तो नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने कई फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। उनके कुछ फोटोशूट भी खूब वायरल हुए थे। त्रिशाला दत्त अपने पिता संजय दत्त की तरह दिखती हैं और वो अपने पिता की ही तरह एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थीं। त्रिशाला एक्ट्रेस तो नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने कई फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। उनके कुछ फोटोशूट भी खूब वायरल हुए थे। त्रिशाला दत्त ने अपना अच्छा खासा वजन कम किया है और अब इतनी स्लिम लगती हैं। इससे पहले वो काफी अलग दिखती थीं। त्रिशाला दत्त ने अपना अच्छा खासा वजन कम किया है और अब इतनी स्लिम लगती हैं। इससे पहले वो काफी अलग दिखती थीं।
इससे पहले त्रिशाला अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर कई बार सुर्खियों में छा चुकी हैं। त्रिशाला को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो अपने लुक से बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर देने के काबिल है। इससे पहले त्रिशाला अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर कई बार सुर्खियों में छा चुकी हैं। त्रिशाला को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो अपने लुक से बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर देने के काबिल है। इससे पहले त्रिशाला अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर कई बार सुर्खियों में छा चुकी हैं। त्रिशाला को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो अपने लुक से बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर देने के काबिल है।